हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एट गेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा छठवीं के लिए। और आपकी जो एट गेट अभ्यास पुस्तिका है, इसको वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा छठवीं से संबंधित अध्याय एक। आज आपके लिए अध्याय एक स्टार्ट किए हैं, और ये 2024-25 के लिए है और 2023-24 से परिवर्तित हैं, कुछ क्वेश्चनों को चेंज किया है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अध्याय एक में पहले पुस्तक का अध्ययन करना है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी हैं, संक्षिप्त जानकारी दी, उसे पढ़ दे रहे हैं। हजारों वर्ष पहले मानव ने लेन देन गिनने के लिए छोटी संख्याओं को संकेतों के रूप में व्यक्त करना सीखा। धीरे धीरे व्यवहारिक जीवन में, व्यापार में, लेन देन में बड़ी संख्याओं की आवश्यकता हुई। पूर्व में हमने चार अंक तक की संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रिया कौन सी होती हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीखा। अब हम 10,000 से अधिक संख्याओं को पढ़ना, लिखना और व्यवहारिक उपयोग करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे आपका जो दिया है, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 7 को कैसे पढ़ते हैं, अभी हमको पढ़ने में कठिनाई आ रही है। तो सबसे पहले हम संख्या में भारतीय पद्धति के अनुसार अल्पविराम का उपयोग करेंगे। जैसे आपका ये 2, 1, 2, 4, 5, 2, 7 को कैसे लिखेंगे? कितनी? 3 संख्या बाद ये, फिर 2 संख्या, इस प्रकार 21,24,527 के रूप में लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। तथा स्थानीय मान पद्धति के अनुसार इकाई, आपको इकाई का ज्ञान होना चाहिए, दहाई, सैकड़ा के अनुसार संख्या को पढ़ते हैं। जैसे इसको पढ़े हमने 21,24,527 लिखते और पढ़ते हैं। संख्याओं का प्रयोग करके वस्तुओं को गिना जाता है तथा वस्तुओं की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। वस्तुओं के संग्रह में छोटा बड़ा, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, समूह बनाने में मदद मिलती है। संख्याओं का योग, योग यानी जोड़ना, व्यवकलन यानी घटाना, गुणा और भाग की संक्रिया भी करते हैं। इस अध्याय में हम संख्याओं की तुलना करना, अंकों की संख्या बनाना, बड़ी संख्या, अल्पविराम का प्रयोग, व्यवहारिक उपयोग में बड़ी संख्या का प्रयोग करना सीखेंगे। संख्याओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और आगे मिलियन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के, हज़ार और उसके आगे क्या होता है, मिलियन आता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, मिलियन नहीं आता, हज़ार के बाद क्या आता है, 10,000। हज़ार और मिलियन को प्रदर्शित करने के लिए अल्पविरामों का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। पहला अल्पविराम हज़ार को प्रदर्शित करता है, जैसे यहाँ पर दिया है आपका 62, इसको क्या पढ़ेंगे हम, 62,108,295 की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे। जैसे 62,108,295 पढ़ा जाएगा। भारतीय पद्धति में इसे इस प्रकार लिखा जाता है, क्या हो गया, 6,21,08,295 भारतीय पद्धति हो गई, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अलग पढ़ते हैं। अब कुछ उदाहरणों द्वारा भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को पढ़ना समझते हैं। देखिए, ये संख्या दी है, भारतीय पद्धति में से क्या पढ़ेंगे, 5,92,01,085 पढ़ेंगे, और इसी को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में के अनुसार कैसे पढ़ेंगे, इसे 59,201,085 ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे। इसी प्रकार ये संख्या क्या पढ़ेंगे हम, 2,95,10,850 ये भारतीय पद्धति में पढ़ेंगे, और इसी को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे, 29,510,850 इस प्रकार से इन्हें पढ़ा जाता है। इससे संबंधित देखिए, इसको आपको ये संख्या दी है, इस संख्या को आपको भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो इसको क्या लिखेंगे, 5,80,01,529, और इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या पढ़ेंगे, 58,201,085। इसी प्रकार इस संख्या को 7,61,25,769 ये भारतीय पद्धति में पढ़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 76,125,769। तो इस प्रकार इन संख्याओं में कहाँ पर अल्पविराम लगाना है और किस प्रकार पढ़ना है आपको वो बताएं। अब अगला है, संख्याओं के प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी संख्या छाट कर लिखिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इसमें 7,700, 7,070, 7,700 सबसे बड़ी संख्या आ गई 7,700। फिर दूसरे नंबर में देखिए, 2,480, 2,408, 2,048 इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 2,480। इसी प्रकार 9,351, 1,359, 9,531 तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9,531, और उसको छाट कर इस प्रकार लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं, दी गई संख्याओं को ये चिन्ह जो है, ये छोटे का चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम
मैंने आरोही क्रम में लिखी है। तो आप इसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, ये 2469 2000 लिखा हुआ है पहले से, तो सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसी प्रकार दूसरे सवाल में पहले संख्या पढ़ लीजिए, 7586 है, ये 7568 है, 7658 है और 7865 है। अब इनको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको छोटी, सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। तो यहाँ आपको सबसे छोटी संख्या पहचानना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 7568, ये लिख दिया हमने 7568। फिर इससे बड़ी संख्या क्या है, 7586, उसके बाद लिख दिए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 7568 छोटी किससे, 7586 से। फिर 7586 से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, आपकी आ गई 7658, तो ये लिख दिए। इसी प्रकार उससे बड़ी क्या होगी, 7865। तो ये आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना है, यानी बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में लिखना है। इसी प्रकार अगली संख्या यहाँ पे भी आपको लिख के बता दी, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं, दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। देखिए 5791 का प्रसारित रूप क्या होगा, तो देखिए इकाई का अंक क्या है, एक, तो इकाई में एक लिख देंगे। दहाई में क्या है, 9, दहाई में 10, और कितनी दहाई है, 9 दहाई है 90, 700 सैकड़ा में है, तो और ये 5000। इसी प्रकार 7050 को कैसे लिखाएंगे प्रसारित रूप, 7000 फिर 0 50 0। फिर 3003 का प्रसारित रूप क्या हो गया, 3000 0 0 3। इस प्रकार से इसका प्रसारित रूप लिख लेंगे। तो ये आपके प्रश्न प्रसारित रूप बता दिए, बढ़ते क्रम में बता दिए आपको, और क्या क्या बताया इसमें देखिए, और भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, ये बताए। अब आगे चलते हैं, अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय एक अपनी संख्याओं की जानकारी पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। देखिए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। सेकंड प्रश्न देखिए, संख्या 3 गुणित कितना है, 10000 धन 0 गुणित 1000 धन 8 गुणित 100 धन 0 गुणित 10 धन 7, निम्नलिखित में से किसके बराबर है, यहाँ जो संख्या दी है किसके बराबर होगी। तो 3 का गुणा हम 10000 में किए तो कितना हो गया, 30000। फिर 0 का 10 में गुणा 1000 में गुणा की तो 0, 8 का 100 में गुणा की 800, फिर धन 0 का 10 में गुणा की 0 धन 7। तो अब इनका हम जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 30807। 30807 को सब बी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, और आपको ये भी बता दे रहे हैं उसके साइड में क्या दिया है, कुछ डिब्बे दिए, उनको डिब्बों को क्या करना है, आपको भर देना है कलर से। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1000 मिलियन के बराबर। 1 बिलियन किसके बराबर होता है, 1000 मिलियन, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे पास 500 रुपये के 40 नोट हैं, तो मेरे पास कुल कितने रुपये होंगे। देखो 500 का एक नोट हो गया और मेरे पास कितनी नोट है, 40, तो 500 × 40 कर दो, 5 का 4 में गुणा की 20, तो कितना आ जाएगा, 20000 रुपये। मेरे पास कितने हो गए यहाँ पे, 20000 रुपये, मेरे पास कितने रुपये हैं, 20000, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 5, 30010 किलोमीटर को अंकों में कैसे लिखेंगे। तो 30010, तो ये आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी नंबर का, ये 30010 किलोमीटर, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से इसको अंकों में लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, संख्या 6078 को शब्दों एवं प्रसारित रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम शब्दों में लिख देते हैं 6078 को, तो 6078 शब्दों में लिख दिए, और इसका प्रसारित रूप क्या होगा, 6 × 1000 धन 0 × 100 धन 7 × 10 धन 8 × 1, इसका प्रसारित रूप हुआ। देखो 6 का 6001000 में गुणा की तो 6000 हो गया, 0 का 100 में गुणा की तो 0 धन, 7 का 10 में गुणा की तो 70 धन, 8 का 1 में गुणा की तो 8, तो ये इसका 6000 धन 0 धन 70 धन 8, ये इसका क्या हो गया, प्रसारित रूप हो गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, अंक कौन से हैं, 0 9 1 6 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिख दीजिए 9, फिर उससे छोटा अंक 6, फिर उससे छोटा अंक 1, उससे छोटा अंक 0, तो ये क्या हो गया 9610, ये क्या हो गया आपकी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की बनाना है,
तो यदि शून्य आता है तो शून्य को पहले नहीं लगाना है, पहले छोटी संख्या एक लिखेंगे, एक के बाद शून्य लगा देंगे। 1069 1069, ये क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या हो गई। आपका प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, संख्याओं कौन कौन संख्या 1748 3950 2010 1987 805 को अवरोही क्रम में रखी है, कायम रखना है। अवरोही, अवरोही मीन्स होता है घटता क्रम, यानी कि यहाँ पे आरोही और अवरोही, आरोही मीन्स होता है बढ़ता क्रम, अवरोही मीन्स क्या होता है घटता क्रम। तो इसको अवरोही क्रम में इन संख्याओं को रखना है। अब घटते क्रम में लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या को पहचानना पड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 3950, ये लिख दी 3950। फिर इससे छोटी संख्या क्या है 2010, फिर इससे छोटी संख्या 1987, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। तो इस प्रकार इससे अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने कितने 691782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 380510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो क्या करेंगे, सफल प्रत्याशी के जितने मत हैं उसमें से निकटतम प्रतिद्वंदी के मतों को घटा देंगे। तो लिख दीजिए, सफल प्रत्याशी के मत इतने हैं 691782, निकटतम, यहाँ पे त लिखना भूल गए आप, त लिख देंगे, निकटतम प्रतिद्वंदी के मत कितने है 380510। तो ये 691782 में से 380510 को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, दो में से शून्य घटाए 2, 8 में से 1 घटाए 7, 7 में से 5 घटाए 2, 1 में से शून्य घटाए 1, 9 में से 8 घटाए 1 और 6 में से 3 घटाए 3। तो इस प्रकार कितना आ गया 311272। सफल प्रत्याशी के जीत के मत कितने हो गए 311272, यानी कितने मतों से जीता हुआ 311272 मतों से जीता। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है, एक बर्तन में कितना दूध है 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है, 25 मिलीलीटर दहीता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो सबसे पहले लिख दीजिए बच्चों यहाँ पे 5 लीटर 500 मिलीलीटर, तो ये लीटर को कायम बदलना पड़ेगा आपको मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए 5 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे 5000 × 500, तो कितना आ गया 5500 मिलीलीटर। अब भरे गए गिलासों की संख्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एक बर्तन में 5500 मिलीलीटर क्या है दूध है, उसमें 25 मिलीलीटर दहीता वाले दूध का भाग दे देंगे। जब 25 का भाग हम 5500 देंगे तो कितना आएगा 220 गिलास, कितना आएगा 220 आया, तो 220 क्या हो गया गिलास। अतः 25 मिलीलीटर दहीता वाले 220 गिलासों में से इसे भरा, 200 गिलासों में इसे भरा जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 का हल कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 200000 गोलियाँ हैं, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 200000 गोलियाँ हैं जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है, तो इस बक्से में भरी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है। देखिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि एक गोली का भार कितना है 20 मिलीग्राम, इसलिए कितनी गोली 200000 गोलियों का भार क्या हो जाएगा, तो ये 200000 × 20, जब हम 200000 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 लाख। देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, 10 लाख, 40 लाख मिलीग्राम कितना हो जाएगा 40 लाख मिलीग्राम हो गया। अब प्रश्न में क्या कहा है आपको, ग्रामों में, अब ग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 1000, तो ये 40 लाख में हमने 1000 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 4000 ग्राम। अब ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 4000 में किसका भाग दे देंगे 1000 का, जब 4000 में 1000 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 किलोग्राम। अतः बक्से में भरी गई गोलियों का कुल भार कितना होगा 4000 ग्राम और 4 किलोग्राम होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का हल कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 375815 थी, वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89209 की वृद्धि हो गई, तो बताइए 2023 में शहर की जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी। देखिए वर्ष 2023 की जनसंख्या निकालना है, 2001 में जनसंख्या कितनी थी
375,815 और वृद्धि कितनी हुई 89,209 की, तो इन दोनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिए। जोड़ते चलिए, यहाँ पे आप जोड़ के देखते हैं, ये 5 में 9 जोड़े 14, 14 की 4 हासिल का 1 चले गया, 1 में 1 जोड़े कितना हो गया 2, फिर 8 में 2 जोड़े 10 की 0 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 में 9 जोड़े कितना हो गया 15 की 5 हासिल का 1, ये 7 और 1 8 और 8 16 की 6 हासिल का 1, 3 और 1 4 कितना आ गया 4,65,024। तो कितनी बढ़ेगी या घटेगी, देखो 375,815 थी, इतनी 89,209 और वृद्धि हो गई, तो क्या होगा इसमें, जनसंख्या बढ़ेगी। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 12 को हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। देखिए बच्चों, इसमें एक व्यापारी द्वारा जो बेची गई पिछले वर्ष जो बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा ये सारणी में बताई गई। शक्कर की दर क्या है 40 रुपये प्रति किलोग्राम और कितनी मात्रा 21,603 किलोग्राम। आटा की मात्रा ये दी हुई है, मात्राओं को पढ़ लीजिए और उपरोक्त सारणी की सहायता से ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर देना। व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार क्या हो जाएगा, तो देखिए शक्कर का भार कितना है, यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं शक्कर का भार कितना है 21,603 और आटा का भार कितना है 34,782। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3, 2, 5, 8, 6, 7, 13 की 3 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6, 3, 2, 5 कितना आ गया 56,385। यहाँ उत्तर में लिख देंगे कुल शक्कर और आटे का भार कितना है 56,385 किलोग्राम। क्योंकि यहाँ जगह कम है तो हम इतना डिटेल नहीं कर सकते, हम पहले रफ में जोड़ लेंगे उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिकाएँ बेची गई। देखिए पिछले वर्ष पेंसिल कितनी बेची गई 28,520 और अभ्यास पुस्तिका 30,008। 30,008 में से 28,520 को घटा देंगे तो हमको पिछले वर्ष पेंसिल से 1,484 अधिक अभ्यास पुस्तिकाएँ बेची गई, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 325 साबुन की टिक्किया का मूल्य क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे साबुन की टिक्किया, एक टिक्किया का मूल्य कितना है 9 रुपये, तो 325 से क्या हो जाएगा, तो उसका गुणा कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 325 साबुन की टिक्किया का मूल्य 2,925 रुपये होगा। ये आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, किसी विद्यालय की कक्षा 6 व कक्षा 7 के बच्चों की संख्या का योग 35 है, कक्षा 7 और कक्षा 8 के बच्चों की संख्या 38 है, कक्षा 6 और कक्षा 8 के बच्चों की संख्या 33 है, तो कक्षा 6 7 8 के बच्चों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्या कीजिए, सबसे पहले कक्षा 6 व 7 का योग कितना है 35, कक्षा 7 और 8 का योग कितना है 38, कक्षा 6 और 8 का योग कितना है 33। अब कक्षा 6 7 और 8 में कुल संख्या है तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग क्यों दे रहे, क्योंकि 2 कक्षाओं का अंतर है, तो इन सबको जोड़े तो 106 आ गया और इसमें 2 का भाग दिए कितना आ गया 53। कक्षा 6 7 8 में कुल संख्या क्या होगी 53 होगी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। एक व्यक्ति ने अपने घर की सुरक्षा के लिए ताले को 3 अंकों का डिजिटल पासवर्ड बनाया। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक व्यक्ति ने अपने घर की सुरक्षा के लिए जो ताला होता है, ताले को 3 अंकों का डिजिटल पासवर्ड दिया। यदि उस पासवर्ड के अंतिम 2 अंक 4 हैं, देखिए अब उस पासवर्ड के अंतिम 2 अंक कितने हैं 4 4 हैं, तो ताले को खोलने के लिए कितने संभावित उत्तर हो सकते हैं। अब 3 अंकों का बनाया, 2 अंक दिए हैं, अब हमको 1 अंक चुनना है, तो अब हमको 1 अंक चुनने के लिए हमारे पास एक अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये पहला अंक इनमें से कोई भी हो सकता है, चाहे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 यहाँ से कोई भी हो सकता है, तो हमारे संभावित उत्तर 10 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं 10। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही आपका गणित कक्षा छठवीं गणित अध्याय 1 के जो प्रश्नों के उत्तर थे वह आपको समझाए, अच्छे से बताए। यदि आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।